हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। सुशांत सिंह राजपूत अपनी एक्टिंग की लाइन को छोड़कर खेती करना चाहते थे, इसके पीछे है एक लंबी कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों एक्टिंग को छोड़ खेती करने का मन बना चुके थे सुशांत सिंह राजपूत। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल फिल्मी बीट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि आपको मिल सके सारी लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि उनसे कई सारी फिल्में छीन ली गई थी। इस बीच खबर ये भी आई कि अपनी खास दोस्त रिया चक्रवर्ती के साथ वो फिल्म भी करने वाले थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को रूमी जाफरी बनाने वाले थे और इसकी स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली गई थी। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से फिल्म की शूटिंग अब नवम्बर में होने वाली थी। हालांकि रूमी का कहना है कि सुशांत फिल्म लाइन छोड़ने के बारे में सोच रहे थे। रूमी ने बताया कि सुशांत को लॉकडाउन के कारण काफ़ी परेशानियां हो रही थी। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद सुशांत ने मुझे एक छोटी सी फिल्म पर काम करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें लॉकडाउन की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 20 से 25 मेंबर्स के साथ एक नई फिल्म शुरू करनी चाहिए। मैं सुशांत की सलाह के बाद नई स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। रूमी के मुताबिक सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से लड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो फिल्म में काम नहीं करना चाहते हैं और एक्टिंग छोड़ देना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। वो अक्सर कहते थे कि वो खेती करना चाहते हैं। वो कहते थे कि देश भर में वो 1,00,000 पेड़ लगाना चाहते हैं और वैज्ञानिकों की तरह नया आविष्कार भी करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि 14 जून को ही सुशांत सिंह ने अपने बांद्रा वाले अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने टीवी सीरियल में पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने काय पोचे, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे जैसी फिल्मों में काम किया। फिलहाल वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जाने का गम हर किसी के दिल में है। आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।